देखिए डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट मतलब छोटे बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं और उस दौरान वो इंसुलिन ले रहे हैं अपने ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज रखने के लिए। ऐसे में जैसे ही वो डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं द काइंड ऑफ डाइट स्पेशल प्रोटोकॉल डाइट, तो उनकी डिपेंडेंसी इंसुलिन पे कम हो जाती है या फिर कुछ केसेस में ख़त्म हो जाती है। जहाँ तो ख़त्म नहीं होती उसका एक कारण ये है, ऐसे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं इंसुलिन पे डिपेंड रहने के कुछ साल बाद, तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझना होगा कि जैसे ही कोई छोटा बच्चा इंसुलिन पे निर्भर हो जाता है तो इंसुलिन लेने लगता है, तो उसके बाद से उसकी बॉडी तो ग्रो कर रही है लेकिन साथ साथ उसी स्पीड से या उसी रेशियो में पेनक्रियास ग्रो नहीं करते। ऐसे बच्चों के पेनक्रियास की साइज़ थोड़ी कम रह जाती है और ऐसे में 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद जब वो मुझसे मिलते हैं और हमारा डाइट लेते हैं तो ये डाइट क्या करता है, दोबारा से पेनक्रियास को रीएक्टिवेट कर देता है, बीटा सेल को रीजनरेट कर देता है। लेकिन पेनक्रियास अपने फुल पोटेंशियल में भी होगी तो भी पेनक्रियास 100% इंसुलिन प्रोड्यूस करने के बाद भी वो बॉडी के लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि पेनक्रियास की जो खुद की कैपेसिटी है इंसुलिन बनाने की वो लिमिटेड ही रहेगी, बिकॉज उसका साइज उतना ग्रोथ के हिसाब से बढ़ा नहीं जितना कि बढ़ना चाहिए था। तो यही कारण है कि कुछ बच्चों के केस में पूरी तरह से वो इंसुलिन मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन ऐसे डायबिटीज़ टाइप 1 बच्चे जो 16-17 साल के एज में 18 साल के एज में डायग्नोस होते हैं और उसके बाद वैसे भी उनकी ग्रोथ और बढ़नी नहीं होती है, ग्रोथ रुक जाती है बॉडी की 18 साल के बाद नॉर्मली, तो उसके बाद टाइप 1 रहने के कुछ साल बाद भी अगर ये डाइट शुरू करते हैं तो उन पेशेंट में इंसुलिन पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं और इंसुलिन के बिना ही डाइट से वो कंट्रोल कर लेते हैं। या ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट जो डायबिटीज़ टाइप 1 डिटेक्ट होने के 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास आ जाते हैं, तो 1 साल में बॉडी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं होता किसी भी केस में, तो 1 साल के अंदर पेनक्रियास का ग्रोथ का जो रेशियो है बॉडी के कंपेरिजन में वो उतना डिफरेंट नहीं होता, तो उनके लिए रिकवर करना और पूरी तरह से इंसुलिन मुक्त होना आसान होता है, पॉसिबल होता है।